बिहार के बांका में बुधवार की सुबह पुलिस ने छापेमारी कर शहर के अनुराग गेस्ट हाउस में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे थाने व पुलिस का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में पुलिस ने पुलिस की फर्जी वर्दी में एक युवक और युवती को भी गिरफ्तार किया है। दरोगा के किरदार को निभा रही युवती अनीता देवी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार की गई अनीता देवी का कहना है कि ये कट्टा उसके वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा सीखने के लिए दिया गया था और उसकी बहाली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर हुई है। फर्जी पुलिस थाने में मुंशी का काम कर रहे फुल्ली डूमर के लोढ़िया गांव के रमेश कुमार और सुल्तानगंज के खानपुर के रहने वाली जूली कुमारी को भी हिरासत में लिया गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत खानपुर के आकाश कुमार को भी पुलिस वर्दी में कई अन्य कागजात के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में सभी ने अपने सीनियर ऑफिसर फुल्ली डूमर निवासी भोला यादव के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग कार्य करते हैं, इसके एवज में हमें 500 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। पुलिस ने गेस्ट हाउस से इनके निजी रसोईया को भी गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। इस संबंध में SDPO DC श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी पुलिस गिरोह का संचालन करने वाला मुख्य सरगना अभी फरार है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोग का कहना है कि हम लोग पुलिस में भर्ती कराएंगे, जो बिल्कुल जाली और एक गलत तरीके से निकला। और ये लोग जो लोग पकड़ाए हैं, साथ में दो वर्दी भी पकड़ाया है जिसमें बिहार पुलिस का बैज भी लगा हुआ है और एक चौकीदार का बैज लगा करके था। ये लोग लोकल ग्रामीणों को ठग करके लोगों को प्रलोभन दे करके कि उनकी नौकरी बिहार पुलिस में लग रही है और खुद को पुलिस वाला बता करके ये लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, जिसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।